गुड आफ्टरनून। यस, नाइस टू सी। बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के। ये खाली सीट्स क्यों हैं? एक दो यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं अभी, मैं वेट करूं उनकी या हम स्टार्ट करें? चलो, कैसे वेरी गुड। लुक स्ट्रेट, सब लोग सामने देखो। ओके बच्चे, वी आर गोइंग टू डू बॉड मास क्वेश्चंस। आपकी मैथ्स की बुक में है ना बॉड मास की क्वेश्चंस? ब्यूटीफुल। आपने मॉड्यूल 1 किया था मैम के साथ, उसमें आपने किया था मैचिंग, ट्रू फॉल्स और छोटे छोटे और क्वेश्चंस किए थे बॉड मास के रिलेटेड, किए थे ना? ओके, कौन बताएगा मेरे को कि बॉड मास की फुल फॉर्म क्या है, क्या करते हैं उसमें हम? अभिजोत सिंह इज देयर? अभिजोत सिंह, सेक्शन ए, 6th A। यस, या वेरी गुड। प्लीज खड़े होके बताओ बेटा, इसमें बॉड मास में क्या करते हैं? व्हाट इज द फुल फॉर्म? बी का मतलब क्या है? ब्रैकेट, वेरी गुड। ओ का मतलब क्या है? ओके, ऑर्डर। यस, ऑर्डर। किसका ऑर्डर? वो जो ऑर्डर है, कोई भी आपके पास नंबर होता है 2 की पावर 2, मतलब 2 इंटू 2। अगर हमारे पास ये, अभी 6th में ज्यादा यूज नहीं होगा, आपके ज्यादा जो यूज होंगे वो यही है, बी डी एम ए एंड एस, इसको ध्यान दो बस आप। ठीक है बेटा? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन सा बता रहे हो आप? डी का मतलब क्या है? यस, वेरी गुड। अभी ज्योति इज टेलिंग मी डी का मतलब डिविजन। यस, देन एम का मतलब मल्टीप्लाई, वेरी गुड। ए का मतलब एडिशन, वेरी गुड। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड। प्लीज सिट डाउन, गो टू योर सीट। तो आज हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं। सबके पास शीट है? मॉड्यूल 2, बॉड मास मेंटल एबिलिटी। हाँ प्लीज, इसका सेकंड पेज खोल लो बेटा। यस, वेरी गुड, आई कैन सी, सबके पास है। ब्यूटीफुल। ओके, होल्ड पेन इन योर हैंड, अपने हाथ में पेन पकड़ो और एक रफ पेज, रफ नोटबुक निकाल के रखो, रफ पेज कैलकुलेशन के लिए। छोटी छोटी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना? कोई पेज ले लो, रफ पेज, कोई नोटबुक की बैक साइड ले लो, जहां मर्जी करो। चाहे ये जो शीट है इसके भी साइड पे अगर आपको लगता है कहीं कर सकते हो, रफ कॉलम बना के वहां भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि वो कैलकुलेशन आपने अपने लिए करनी है, अपनी नॉलेज के लिए। सबको प्लस करना आता है, माइनस करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, सबको टेबल्स आते हैं, है ना? तो डिवीजन भी आती है आपको, कि डिवाइड कैसे करते हैं छोटे छोटे नंबर्स को। ठीक है बेटा, क्योंकि आपकी छोटी क्लास है, अभी ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं आएंगे आपके। सो आर यू रेडी? वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन है आपके मेंटल एबिलिटी के। मेंटल एबिलिटी मींस कि आपको आपका माइंड यूज करना है ज्यादा। ओके, प्लीज मेरे को कोई भी ना दिखे कि कोई इधर उधर किसी और की नोटबुक में देख रहा है, अपने ही पेज पे लिखना है। जैसे मेरी राइटिंग है वैसे ही आपने उसको सुंदर सुंदर लिखना है। अगर आप सुंदर लिखोगे और दूर दूर लिखोगे, हमेशा आपको पता चलता है कि कौन सा साइन हम यूज कर रहे हैं। ठीक है बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ वी इज इक्वल टू 4, आपको दिख रहा है यहाँ पे आपकी वर्कशीट में जो है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास वी इज इक्वल टू है 4। मैं जब तक यहां पे लिखूंगी, प्लीज आप छोटा छोटा उसको पेंसिल से अंडरलाइन करो। वी इज इक्वल टू 4, वेरी गुड। डब्ल्यू इज इक्वल टू 5, एक्स इज इक्वल टू 11, वाई इज इक्वल टू 18 एंड जेड इज इक्वल टू 10। ये सारे नंबर्स आपको दिए हुए हैं, इनको छोटा छोटा अंडरलाइन कर लो शीट के अंदर ही। अंडरलाइन क्यों करने हैं? ताकि आपको क्लियरली दिखे वो। ओके, वी की वैल्यू 4 है, डब्ल्यू की 5 है, एक्स की 11 है, वाई की 18 है एंड जेड की 10 है। तो आपने वैल्यू निकालनी है जेड प्लस जेड डिवाइडेड बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्स। आपको दिख रहा है ये मल्टीप्लाई का साइन छोटा सा? वेरी गुड, छोटा वाला मल्टीप्लाई का साइन है और जो बड़ा वाला है वो क्या है? एक्स। ओके, माइनस वाई, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू सर्च कि उसकी कितनी वैल्यू होती है। ठीक है, अपनी नोटबुक में आप ये दूर दूर लिखोगे बेटे, जैसे मैंने लिखा है। आपको साइन दिखना चाहिए कि डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, माइनस का साइन है और इज इक्वल टू का साइन है।
ठीक है बेटा। ओके, हमने ये निकालना है कि इनको जब हम यूज करेंगे, नंबर्स को वैल्यूज डालेंगे, तो आपका आंसर क्या आता है। प्लीज डू इट, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फटाफट उनकी वैल्यूज डालो। मैं भी इधर करूंगी, आप भी अपनी नोटबुक में करो, आपने मेरी चिटिंग नहीं करनी है, ठीक है? मेरी तो नहीं चिटिंग करोगे ना? ओके, अपना हेड डाउन करके अपनी नोटबुक में करो इसको, और फिर हम देखेंगे कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। वैल्यूज डालो इनकी। 10 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 18, ये आपकी वैल्यू है। सबकी वैल्यू हमने डाल दी। अब सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे, ओके आई विल वेट। सबने लिख लिया? वेरी गुड। तो सबसे पहले आपको पता है बोर्डमास में हम डिवीजन करते हैं, तो इसको पहले अंडरलाइन कर दो, डिवीजन वाले नंबर को अंडरलाइन कर दो, और सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने किसी और को नहीं देखना अभी। एवरीबडी कैन सी हियर, बोर्ड पे देखो मैंने अंडरलाइन किया है इसको। किसको अंडरलाइन किया है? जो साइन मेरे को सबसे पहले यूज करना है, तो मैं इसको करती हूँ। 10 डिवाइडेड बाय 5 इज, फटाफट बताओ क्या होता है 10 डिवाइडेड बाय 5? प्राची, प्राची सेक्शन ए, 2। एक्सेलेंट, 2 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 18। सिर्फ हमने डिवीजन सॉल्व की है, बाकी ऐसे का ऐसे ही हमने नोट डाउन कर लिया ऊपर से। अब आपने बताया था कि बॉड मास के बाद, डिवीजन के बाद हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, तो मल्टीप्लाई के अंदर अंडरलाइन कर दो, क्योंकि ये साइन हमने सबसे पहले यूज करना है। यस, पीछे बच्चे रेज कर रहे हैं हैंड, ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ए या बी? या वेरी गुड, बी सेक्शन से मेरे को बताएगा करमपाल सिंह। वेरी गुड, सेक्शन बी करमपाल सिंह सबसे आगे बैठे हो, वेरी गुड। प्लीज टेल मी व्हाट इज 2 इंटू 11? वेरी गुड, 22। वेरी गुड, सिट डाउन। 22 माइनस 18, तो मेरे को माइनस करके फटाफट बताओ क्या होता है। एक्सेलेंट, आंसर इज 4। आंसर इज 4, तो आंसर हमारा किससे मैच कर रहा है? जो जो हमने वैल्यूज डाली थी वो वी से मैच कर रहा है। आपने देखा जो हमें वैल्यूज दी हुई थी, वी डब्ल्यू एक्स वाई सारे ये नंबर्स दिए हुए थे, तो उनमें जो 4 जो आंसर है वो किससे मैच कर रहा है? वी से। तो आपका आंसर होगा वी। सबने लिख लिया बेटे? वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन इसका भी सेम है, वैल्यूज पुट करो। वेरी गुड, P इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू 4, R इज इक्वल टू 5, S इज इक्वल टू 8, T इज इक्वल टू 12। तो आपने वैल्यू निकालनी है T माइनस S प्लस P। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग लग रही है आपको? वेरी गुड, T माइनस S प्लस P, तो हमने इसकी वैल्यू लगानी है। हमें पता ही है, आप ऊपर हमें दिख ही रहे। प्लीज डू इट, आई एम गिविंग यू टाइम। टी की वैल्यू डालो 12, एस की वैल्यू डालो 8, एंड पी की वैल्यू डालो 1। 12 माइनस 8 प्लस 1, वेरी गुड। सब लोग कर रहे हैं, इसका मतलब सबको आता है। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं दोनों। फाइन, वेरी गुड बेटा। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि माइनस और प्लस यूज हो रहे हैं बस, और कोई नहीं यूज हो रहा। और माइनस और प्लस में से पहले कौन सा यूज होता है? प्लस, तो यूज करो इसको। बताओ मेरे को क्या आएगा इसका आंसर। उदय,
डी ऑफ सेक्शन ए इज वेरी गुड। इसमें जब आप वैल्यू डालोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? किसने कर लिया? रेज योर हैंड। उदय, सेक्शन ए। हाँ प्लीज टेल मी क्या आंसर आ रहा है इसका? फाइव, फाइव आ रहा है इसका आंसर। अब आपको जो फाइव दिख रहा है वो फाइव किस किस का एडिशन है, क्योंकि आपको टू नंबर्स का एडिशन देखना है, तो आप इसको देख सकते हो ये फोर प्लस वन की फॉर्म में है। फाइव को आप लिख सकते हो फोर प्लस वन। वेरी गुड उदय, प्लीज गो बैक। वेरी गुड, थैंक यू। फोर प्लस वन, अब फोर प्लस वन किससे मैच कर रहा है? इनकी ऑप्शंस देखो जरा, आर की इंटू क्यू से मैच कर रहा है, या टी प्लस क्यू से मैच कर रहा है, या क्यू प्लस पी से मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट गर्ल, आई कैन सी योर हैंड, प्लीज खड़े हो कि बताओ। क्यू प्लस पी। एक्सेलेंट, क्यू प्लस पी, इट इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, क्योंकि क्यू आपका पास फोर था और पी आपके पास वन था, तो आपका आंसर आ गया क्यू प्लस पी। ओके बेटे, दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, लेट अस डू इट। थर्ड क्वेश्चन कॉपी डाउन करो, क्वेश्चन नंबर थ्री आपके पास है। P इज इक्वल टू नाइन, क्यू इज इक्वल टू 81, आर इज इक्वल टू 27 एंड एस इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये वैल्यूज हैं, और T इज इक्वल टू 8। ठीक है, सारी वैल्यूज दी हुई हैं आपको बेटा, इनकी वैल्यूज बड़े ध्यान से नोट डाउन करनी है आपने। ऐसा ना हो कि S की जगह अगर आपने T लिख दिया तो उसका आंसर फिर मैच नहीं करेगा। ठीक है बेटा, सारे नंबर्स को थोड़ा डिस्टेंस पे लिखना है, दूर दूर लिखना है। जैसे मेरी राइटिंग आप देख रहे हो, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल दूर दूर नंबर्स लिखोगे और थोड़ा सा बड़ा लिखोगे, आपको क्लियरली दिखाई देगा और कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। ओके बेटा, अभी तक तो आपने कोई मिस्टेक की भी नहीं है, आई एम सो हैप्पी, आपको आता है अच्छे से। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमने निकालना है वो निकालना है हमने आर इंटू एस, आर इंटू एस डिवाइडेड बाय पी। ओके, आपको इसमें दिख रहा है कि ये ब्रैकेट में है आर इंटू एस, ब्रैकेट दिख रही है आपको सबको? यस यस, तो हमने फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम, 2 मिनट्स दे रही हूँ, प्लीज करो अपनी राइटिंग में, अपने नीट एंड क्लीन करो इसको। 27 इंटू 3 ब्रैकेट में डालो अपॉन पी, जो नंबर ब्रैकेट में है उसको ब्रैकेट में ही रखना है, अपनी मर्जी से उसको हटाना नहीं है। इससे पूछना चाहती हूँ, गुलीन सेक्शन बी। यस वेरी गुड, जल्दी आओ आगे। थर्ड क्वेश्चन, इसको उठाने की जरूरत नहीं है, आप नीचे रखो इसको, आप नीचे रख दो और हेड थोड़ा बेंड हो जाओ, नीचे झुक जाओ थोड़ा सा। हाँ ओके, बोलो ऐसे ही बोलो, शाबाश। हाँ बच्चे बताओ बताओ, वेरी गुड। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे। सेक्शन बी में करमपाल सिंह कौन है? ओके आप, हाँ जी बच्चे, यू आर टेलिंग मी, आप मेरे को बताओगे बेटे 27 इंटू 3 हमने क्यों लिखा है यहाँ पे? यस, क्योंकि हमारे पास आर की वैल्यू 27 है और एस की वैल्यू 3 है। ठीक है, आपके पास लिस्ट में जो जो नंबर्स लिखे हुए हैं वही हमने उसके सामने लिखना है, आर की जगह 27 तो 3 लिखना है, उसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया। ओके बेटे, ओके प्लीज सेट, बैठो बैठो, वेरी गुड। इसको नोट डाउन करो जो लिखा हुआ है सामने, फिर आपको और अच्छे से आएगा। वेरी गुड, ओके वेरी गुड। किसने कर लिया बेटे? प्राची और सिक्स बी। यस प्लीज आ जाओ, कम कम फॉरवर्ड, आगे आ जाओ बेटे। किसी किसी का हाथ दिख रहा है मेरे को पीछे, प्लीज कम। सिक्स बी, यस यस, आगे आओ, शाबाश, आपने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, यस। बच्चे वॉइस नहीं आ रही है, मैम प्लीज देखो, प्लीज चेक योर माइक,
नहीं बेटा ये माइक में देखो, रेड तो नहीं आ रहा। अच्छा माइक की सेटिंग नहीं की है ना किसी ने? मैडम है अंदर कोई? मैडम हाँ प्लीज देखना मैम मैडम ये नीचे, ना आप उसमें सेलेक्ट करो उसके सिस्टम। इसने आंसर बताया ब्रैकेट का 81, तो हमारे पास यहाँ पे आया 81, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 81/9। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, ठीक है, यस वेरी गुड। ये फर्स्ट बॉय हाथ खड़ा कर रहा है, प्लीज खड़े हो बताओ फटाफट, और दूसरे वाले कैमरा के सामने आओ जहाँ वो आया था पहले, शाबाश। मैम यस नाइन यस 9, 9 9s are 81, आपको पता है 9 9s are 81 होता है, लेकिन आपको पता है बेटा यहाँ पे जो आंसर है, जो ऑप्शंस आपको ABCD दी हुई है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में दी हुई है आपको, है ना, आर बाय एस पी इंटू टी या फिर आर या क्यू माइनस आर, तो हमने ये देखना है कि वो कौन से नंबर से मैच कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम छोटे नंबर से इसको काटेंगे, 3 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 3 3s are 9, ठीक है, हेयर ऑल्सो 3 2s are 6 एंड 7 3s are 21, तो ये आपके पास आ गया 27/3। तो अभी हम इसको इधर ही स्टॉप करते हैं, काटने को तो हम आगे भी काट सकते हैं लेकिन हम इधर ही स्टॉप कर जाते हैं। प्लीज सिट डाउन बेटे, आपने बिल्कुल ठीक बताया, वेरी गुड। तो हमारा ये आंसर आ रहा है आर बाय एस, आपको पता है आर जो था वो 27 था और एस हमारे पास 3 था, उससे मैच कर रही है आपकी जो ऑप्शंस इसके लिखे हुए हैं, अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं उससे मैच करो, एस आपके पास 3 था और आर आपके पास 27 था, तो ये मैच कर रहा है उससे, आर डिवाइडेड बाय 7 से, वेरी गुड। ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो गए, आपको समझ आ गया बेटे कैसे कैसे वैल्यूज डालनी है, कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इंस्ट्रक्शन 4 to 6, सब लोग पढ़ो उधर साथ साथ में, रीड इन द शीट, देखो उधर जो मैं पढ़ गया कि इसमें करना क्या है, नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर दैट विल बैलेंस द इक्वेशन, फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर मीन्स कि आपका जो बीच में ब्लैंक है पहले तो उसको फिल करना है, ठीक है। अभी फिल करने के तो हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं लेकिन हमें ये ध्यान पे सेम रहनी चाहिए, आपको दिख रहा है बीच में इक्वल का साइन है सारे क्वेश्चंस में, एक बार देख लो जरा, है ना, इक्वल का साइन सब में दिख रहा है, जब ये इक्वल का साइन आ जाता है इसका मतलब आपने इसको इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंस मतलब दोनों दूसरा, ठीक है बेटे। तो सबके दोनों की वैल्यूज लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम आनी चाहिए, तो उसके लिए हमने उसकी कैलकुलेशन वैसे ही करनी है। तो स्टार्ट करें फोर्थ क्वेश्चन, यस वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 4, मेरे को लग रहा है ये कई बच्चे काफी फास्ट कर रहे हैं, मेरे से भी फास्ट कर रहे हैं कई, दैट इज वेरी गुड, डू इट सीरियसली। मैं सबको मैं बताऊंगी कि अपना अगर केयरफुली करोगे इसको पढ़ के तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आप बॉर्ड मास की वर्कशीट पहले मैम के साथ कर चुके हो, ये आपका मेंटल एबिलिटी है, इसका मतलब आप और ज्यादा फास्ट कर रहे हो, अभी माइंड यूज करके कर रहे हो ना, ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो आपका फर्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, 5 × 3 + 10 इज इक्वल टू 11 + 12, आपको ये फिल करना है कि क्या आएगा इधर, ओके बच्चे। सो आप इधर देख रहे हो कि जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स हैं उनमें हमारे पास सबसे पहले है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद है एडिशन, तो कौन से साइन को हम पहले यूज करेंगे, मल्टीप्लाई को या प्लस को? नव्या कहना यार, 6B से नव्या, कौन सा साइन हम पहले यूज करेंगे? नव्या रेज योर हैंड, नहीं हो, ओके अच्छा, नव्या 6B में, ओके नहीं है, इट्स ओके। देन तरनदीप, तरनदीप सिंह 6B, यस वेरी गुड, जल्दी से आ जाओ, मेरे को बताओगे बेटा कि मल्टीप्लाई का साइन पहले यूज करोगे या प्लस का? वेरी गुड, आगे आओ, कैमरे के पास आओ, शाबाश, यस। दोबारा बोलो, मल्टीप्लाई, वेरी गुड, प्लीज क्लैप फॉर हिम, बहुत ही अच्छा, इसने बिल्कुल करेक्ट बताया, सी ठीक है, ये सही, मल्टीप्लाई पहले यूज करेंगे तो हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं 15 + 10, तो इसको हम फिर अभी सॉल्व कर लेते हैं, अब तो एक ही साइन है हमारे पास, व्हाट इज 15 + 10? 25, वेरी गुड 25। अभी हमने बैलेंस करना है इसको, बैलेंस का मतलब अब हमने ये देखना है कि राइट साइड पे वो कैसे मैच करेगा इसके साथ, ठीक है। हम कर रहे हैं 11 + 12, 11 + 12 क्या है 23, अब 23 में हम क्या प्लस करें कि वो 25 बन जाए, 2, सबको पता है, तो हमारे ब्लैंक में क्या आएगा 2, किसी को डाउट है खड़े होके पूछो फिर, किसी को प्रॉब्लम है या समझ आ गया सबको?
वेरी गुड, सो आंसर इज टू. तो हमारा यहाँ पे फोर्थ का आंसर टू को टिक मार्क कर सकते हो आप. नीचे ऑप्शंस में दिया हुआ है ना टू, उसको टिक मार्क कर लो. वेरी गुड वेरी गुड. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन. ये भी बिल्कुल सेम है, इसको आप घर पे ट्राई करना, बिल्कुल सेम है ये सारा क्वेश्चन. ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन भी सेम है ये. फिफ्थ और सिक्स आप घर पे ट्राई करना, और फिर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी. सेवंथ क्वेश्चन, अभी हम सेवंथ क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा सा जो डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर सेवन, मैं आपको आंसर बता देती हूँ फिफ्थ और सिक्स का, क्योंकि आप लोग घर पे करोगे देन यू कैन चेक द आंसर. क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है ए, जो कि है सेवन. वो कैसे आया प्लीज घर पे ट्राई करना, अगर स्कूल में टाइम मिला तो स्कूल में भी कर सकते हो, क्योंकि आप जल्दी कर, बहुत जल्दी सॉल्व कर रहे हो आज से क्वेश्चंस. आई एम सो हैप्पी टू सी, बहुत सारे बहुत बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं. इसी तरह सिक्स क्वेश्चन जो है उसका आंसर है 35 बी. ठीक है, इसको जब घर पे सॉल्व करोगे प्लीज मैच करना इसका आंसर कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं. ओके बेटे, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप डाउट पूछ सकते हो नेक्स्ट टाइम. तो अभी हम सेवंथ क्वेश्चन स्टार्ट करें. वेरी गुड. अब इसमें आपको दिया हुआ है पी डिनोट्स. डिनोट्स का मतलब कि पी की पहचान क्या है. ठीक है, पी हमें क्या पहचान दे रहा है. पी जो साइन है वो डिवीजन का साइन है. आप अंडरलाइन करते रहो इसको पेंसिल से, फिर आपको क्लियरली दिखेगा ये. क्यू का जो साइन है वो है मल्टीप्लाई, आर का जो साइन है वो है प्लस, एस का साइन है माइनस. सबको दिख रहा है. यस, तो ये साइंस, पहले नंबर्स थे हमारे पास पी क्यू आर एस टी, अभी हमारे पास उनके साइन है, कोई डिवीजन का कोई मल्टीप्लाई का कोई कैसे. ठीक है, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. और अगर आप ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और जल्दी जल्दी समझ रहे हैं सबको, सबको आता है. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 18Q 12P 4R 5. मेरे को कौन बताएगा कि यहाँ पे हमारे पास ऐसा लगता है कुछ इंग्लिश का कुछ नेम लिखा हुआ है, ऐसा लगता है ना 18Q 12P 4R 5. दिख रहा है आपको, कैसे लग रहा है, कोई कोड वर्ड लिखा हुआ है पता नहीं किसका. ठीक है, तो इसके साइन कहाँ चले गए सारे, साइन कहाँ से आएंगे, हु विल टेल मी. पायल फ्रॉम सिक्स ए, इसके बीच के जो प्रोडक्ट का साइन है या माइनस का साइन है या प्लस का साइन है वो कहां से आएगा. वेरी गुड, 18 और 12 के बीच में मैं कौन सा साइन डालूं यहाँ पे, मल्टीप्लाई. वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन, चलो जल्दी से शुरू करो, बैठो बेटे. यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डालो, और क्यू के बाद, क्यू और पी के बीच में, क्यू और पी के बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड. आर का साइन है हमारे पास प्लस, अभी सेवन, अभी हमारे पास ये अभी वो बन गई है जो जिसको हम यू नो मैथ्स की इक्वेशन बन गई है. पहले तो वो कुछ इंग्लिश का लग रहा था, कि ऐसे लग रहा था इंग्लिश का सब्जेक्ट है. अभी जब बीच में साइन आ गए हैं अभी वो थोड़ा हमें अच्छा लगने लग गया है, जान पहचान भी नो कि ये देखा हुआ क्वेश्चन है. तो इसमें सबसे पहले किसको यूज करोगे बेटे, करमपाल सिंह 6B. वेरी गुड, यस यस, आगे आके बताओ सबसे पहले किसको, कौन सा साइन यूज करोगे इसमें से, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का या प्लस का. यस सबने हाथ खड़ा किया हुआ है, वेरी गुड, सबको आता है. सिक्स डिवाइड इज इट, वेरी गुड वेरी गुड, सिट डाउन. तो सबसे पहले हम डिवाइड को यूज करेंगे, जिसको यूज करना है बेटा उसको अंडरलाइन कर लो. जो साइन हम सबसे पहले यूज करना चाहते हैं हमें पता है बॉर्ड मास के तरीके से, तो उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि बाकी हमने ऐसे का ऐसे ही लिखना है, सिर्फ हमने अंडरलाइन वाले को यूज करना है. हु विल टेल मी 12 डिवाइडेड बाय 4. वेरी गुड, हु इज टेलिंग मी, राजदीप फ्रॉम सेक्शन ए. राजदीप, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी आओ आगे. 12 डिवाइडेड बाय 4,
थोड़ा ऊंचा बोलो बेटे, थोड़ा आगे आओ कैमरा के पास। 12 डिवाइडेड बाय 4, 3। थ्री। वेरी गुड, टेबल आते हैं आपको बहुत अच्छे से। 3 प्लस 5, वेरी गुड। चलो जाके कॉपी में भी लिखो फटाफट। यस, सबने लिख लिया। अभी नेक्स्ट आपके पास है साइन मल्टीप्लाई का और प्लस का, तो अभी हम कौन सा साइन यूज करने वाले हैं? पहले कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस या मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई, वेरी गुड, सबको पता है। तो इसको अंडरलाइन करो, फिर जो साइन हमने यूज करना है उसको अंडरलाइन करो। 18 into 3, किसको आता है 18 का टेबल? वेरी गुड, ये फर्स्ट गर्ल, 6th A, प्लीज टेल मी। 54। 54, वेरी गुड, आपने तो बहुत फास्ट कर लिया। 54 प्लस 5, अब तो हमारे पास एक ही साइन है, ठीक है? तो अभी हम इसको यूज करेंगे। बेटा वेट वेट वेट, एक सेकेंड के लिए, हाँ नीचे करो। ये जो हमारी थी R5, हमने लिखा था 18Q12P4R और 5 लिखा था, उसके बाद आपको दिख रहा है कि वो S6 भी है। सबको दिख रहा है S6 भी है उसके साथ, वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, इसलिए ध्यान से देखो उसको। हाँ प्लीज इसको भी फिर यूज करो, ठीक है? S यहाँ पे लिखना है, -6 यहाँ पे लिखना है, प्लीज इसको लिखो बेटा, है ना? S थोड़ा सा नीचे था तो दिखा नहीं था तो अभी आप इसमें ऐड कर सकते हो, -6 -6 -6 सबके साथ लिख दो। डन, वेरी गुड। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लस करेंगे या माइनस पहले? प्लस, वेरी गुड, तो प्लस करेंगे, इसको प्लस करो। कौन बता रहा है मेरे को आंसर? यस, वेरी गुड, ज्योतिका, 6th A, जल्दी से आ जाओ। वेरी गुड, 54, यस। हाँ जी बच्चे, कितना आ रहा है? 54 प्लस 5, 59, वेरी गुड, 59, 59 माइनस 6। अभी सबने हैंडल्स किया हुआ है, वेरी गुड, सबको पता है जब हम माइनस करेंगे एक ही साइन है तो आंसर क्या आएगा, जल्दी से बोल दो सारे। 53, वेरी गुड, तो आंसर इज 53। तो आपके साथ अभी ये किसके साथ मैच कर रहा है, नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी मैच कर रही है, ए बी सी या डी? बी, वेरी गुड, उसको टिक मार्क कर दो जल्दी से। वेरी गुड, आपको इंटरेस्टिंग लग रही है ये क्वेश्चन? यस, ये मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, ठीक है? आप बहुत अच्छा ब्रेन यूज कर रहे हो अपना, मेंटल लेवल, यू आर डूइंग इट वेरी फास्ट, वेरी गुड। चलो अभी 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है बेटा, अभी अभी जो आपने किया था, लिए आपसे हो जाए और कुछ मिस ना हो इसमें से। तो आपने वैल्यू निकाली है, ए का मतलब है माइनस, बी का मतलब प्लस, सी का मतलब प्लस, सॉरी बी का मतलब है बेटा डिवीजन, प्लीज इसको करेक्ट करो। सी का मतलब, बी का मतलब डिवीजन। ए इज माइनस, बी इज डिवीजन, सी इज प्लस एंड डी इज मल्टीप्लाई। सारे साइन आ गए आपके पास? यस, वेरी गुड। तो इसका अभी डालो इसका वैल्यूज, हमारे पास नंबर है 15B, स्टार्ट कर दो करना अपनी अपनी नोटबुक में। 15B, 3C, 24A, 12D, 2, ठीक है? पिछला क्वेश्चन तो थोड़ा सा आपको लग रहा था कि स्ट्रेंज है ये, कहाँ से आ गए इंग्लिश के अल्फाबेट्स, अभी बीच में फटाफट उनके साइंस डाल दो, जो जो साइन जिससे मैच कर रहा है। ओके, बी की जगह हमने डिवाइड का साइन डालना है, सी की जगह हमने प्लस का साइन डालना है, 24, 12, डी की जगह हमने मल्टीप्लाई एंड देन 2। इसमें तो सारे साइंस यूज हो रहे हैं, केयरफुली देखो उसको, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस सारे यूज हो रहे हैं, बस आपको अभी ध्यान देना है कि सबसे पहले हमने कौन सा यूज करना है। यस, वेरी गुड, फर्स्ट, सबसे पहले हमारा जो हमने यूज करने साइन, अनंतवीर सिंह, 6th A, वेरी गुड, कौन सा साइन यूज कर रहे हैं हम? डिवीजन, वेरी गुड, चलो स्टार्ट करो। इसको अंडरलाइन कर दिया हमने, 15 डिवाइडेड बाय 3, 3 के टेबल में 15 आता है। यस यस, गो बैक टू योर सीट बेटे, चलो वापस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका क्या आंसर आ रहा है, कौन बता रहा है मेरे को? ये तो आपने बहुत जल्दी कर लिया। लेट मी आस्क चहक, 6th A, अगर आपने कर लिया तो आगे आ जाओ, नहीं तो मैं किसी और को बुलाती हूँ, आप करो आराम से, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लगता है करने में, इट्स ओके। अभिजोत, अभिजोत सिंह, 6th A, आपने कर लिया? अगर कर लिया तो इसका आंसर बताओ। 5, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका आ रहा है 5 आंसर। यस, पहले आपने डिवाइड किया, फिर जो आंसर आया उसको प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आया उसको प्लस किया, फिर उसको माइनस किया, वेरी गुड, गो बैक, चलो अपनी सीट पे, वेरी गुड। सो आंसर इज 5। तो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, किसको टिक मार्क करोगे? डी, डी इज 5, वेरी गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, विच टू साइंस आर टू बी इंटरचेंज्ड? इंटरचेंज मतलब, इंटरचेंज मतलब आपस में ही उनको बैठे हैं सबसे आगे, 6th A में,
अगर मैं एक गर्ल को उठा के यहां बिठा दूं और दूसरी को यहां बिठा दूं, तो आपस में इंटरचेंज कर ली उन्होंने सीट। समझ आ गई बेटा? सिक्स बी में भी जैसे बॉयज बैठे सबसे आगे, दोनों बॉयज बैठे हैं, अगर एक बॉय उठ के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और लेफ्ट वाला राइट पे आ जाएगा, साइंस को इंटरचेंज करना है इसमें, जो 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 साइन है उसको हमने इंटरचेंज करना है, ताकि उनके इक्वेशन बैलेंस हो जाए। बैलेंस मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हो जाए। ओके सो इसको चेक करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन आपके पास है, 3 - 9 * 2 = 18। आपको ये देखना है कि हम कौन से साइंस को चेंज करें। तो अभी तो देखो बेटा, आपको देखने से तो नहीं पता चलेगा किसको कहाँ पे चेंज करें, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? थोड़ी से हम कैलकुलेशन करते हैं, प्लस करते हैं माइनस करते हैं, फिर पता चलेगा। ओके सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमने इसको करना है, 3 - 3 = 3, ठीक है, = 18। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखो, आपको रफ में करके देखो कि 3 - यस, कौन बता रहा है, किसको इंटरचेंज करोगे? आप देखो कि अगर हमने इसको माइनस किया और प्लस किया, क्या ये आंसर सेम आता है? क्या वो 18 आएगा इसके सामने? आपको लगता है कि 3 और 3 को जब प्लस करोगे और -18 करोगे तो 18 आ सकता है आंसर? नहीं, पॉसिबल ही नहीं लग रहा, लग रहा? ठीक है, तो लेट अस सी, इसको चेंज करके देखो, प्लस को इधर शिफ्ट करके देखो, माइनस को इधर शिफ्ट करके देखो, लेट अस सी, 3 + 18 - 3। अब ट्राई करो, अब चेक करो कि ये 18 आता है आंसर। यस, अब आ रहा है ये 18। कैसे आ रहा है? क्योंकि 3 - 3 = 0 हो गया, ठीक है? प्लस को उठा के हमने इधर शिफ्ट कर दिया, माइनस को उठा के इधर शिफ्ट कर दिया, उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। क्लियर बेटा? तो हमारी कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है इसके साथ? प्लस एंड माइनस, हमने प्लस एंड माइनस को इंटरचेंज किया है, तो हमारा ये ऑप्शन आ रही है इसमें। क्लियर बेटा? प्लीज इसको टिक मार्क करो। एनी डाउट टिल हियर बेटा? हमने काफी क्वेश्चंस इसमें कर लिए, आपको ऊपर से नीचे जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, किसी को डाउट है कुछ? ये समझ आ गया? समझ आ गया तो यस मैम बोलो जल्दी से। वेरी गुड, आज तो आप ही कर रहे हो क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड। ये भी बिल्कुल सेम है, और इसका आंसर फिर से आ रहा है सी पार्ट, प्लस प्लस, दोनों हमने प्लस प्लस चेंज कर दिए, तो वो आ जाएगा, इसका सी ऑप्शन है। मैं आपको आंसर बता रही हूँ, हिंट बता रही हूँ, प्लीज इसको ट्राई करना घर पे। ओके करोगे? रेज योर हैंड, यस, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभी अभी हम करते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कर रहे हैं, और फिर 12th भी बिल्कुल सेम है उसके जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, ये और भी डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा। रिप्लाई, जहां पे प्लस लिखा हो उसको मल्टीप्लाई का साइन डालना है एक्चुअली हमने। ओके एंड माइनस का मतलब है, माइनस का मतलब है प्लस, सॉरी डिवाइड, एंड मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस, और डिवाइड डिवाइड का मतलब है प्लस। दिख रहे बेटे? ये साइंस लिखे हैं आपने सारे, वेरी गुड। तो जहां जहां प्लस है उसको हम मल्टीप्लाई का साइन डाल देंगे, जहां जहां माइनस है वहां माइनस डाल दो, और जो डिवाइड का साइन है वहां पे प्लस डाल दो, ठीक है? वेरी गुड, स्टार्ट करो इसको। हमारे पास क्वेश्चन है, 9 + 8 / 8 - 4 * 9। इसके जब हम साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास 8 / 4 - 9। हमने क्यों साइन चेंज किए ये सेकंड इक्वेशन में? यहाँ पे साइन क्यों चेंज किए कौन बताएगा मेरे को? एकम जीत, सिक्स थे, एकम जीत, शाबाश, मेरे को बताओगे हमने यहाँ पे साइन क्यों चेंज किए हैं सारे? ये तो ये दिया हुआ था, क्वेश्चन तो ये था, और मैंने ये कर दिया, सबके साइन चेंज कर दिए, क्यों किए हैं? शाबाश बताओ बेटा, क्या? यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, समझ आ गया आपका क्वेश्चन। गो बैक, स्टार्ट करो करना, क्योंकि प्लस का ये हमारी एक गेम है नंबर्स की, यू नो, गेम बन गई है आपकी, कि प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, डिवाइड की जगह प्लस, माइनस की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह माइनस। अब आपने सिर्फ इसको देखना है जो आपने चेंज किया है, ऊपर वाली को नहीं देखना, क्योंकि हमारा आंसर जो आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली आएगा जो हमने चेंज किए हैं। शाबाश, डू इट। सबसे पहले हमने डिविजन करना है, उसको अंडरलाइन कर लो, 9 * 8 + 8 / 4, वेरी गुड, -9। अभी हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज करना है, इसको अंडरलाइन कर लो, वेरी गुड, 8 9 = बलमीन कौर, 6 थे, 8 9 = 72, वेरी गुड, 72 + 2 - 9। प्लीज इसको मेरे को सॉल्व करके बताओ क्या आएगा? गो बैक बच्चे, डन, वेरी गुड। किसने बोला? प्लीज खड़े होकर जल्दी से आओ आगे, आंसर बताओ, वेरी गुड।
वेरी गुड, सबने रेज हैंड किया हुआ है, इसका मतलब सबको आता है, सबने कर लिया कैलकुलेट, ये सिर्फ प्लस और माइनस का था, तो हमारा आंसर आ रहा है 65. तो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है इसके साथ, ए बी सी या डी, कौन सी मैच कर रही है? सी. वेरी गुड, सी पे टिक मार्क करो, आपने तो बहुत जल्दी कर लिया. वेरी गुड, 12th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल इसी तरीके से ही है, अपने प्लस की जगह डिवाइड है, माइनस की जगह प्लस है, मल्टीप्लाई की जगह माइनस, और प्लस की जगह मल्टीप्लाई. आप इसको घर पे ट्राई करोगे? यस, बिल्कुल सेम वैसे करना है, ठीक है? अगर आप साइंस को देखो कितना सुंदर लग रहा है, आपको देखने में भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है? तो ऐसे ही करना है आपने. मैं आपको हिंट दे देती हूँ किसका आंसर आ रहा है, 34 सी पार्ट. जब आप करोगे प्लीज इसको मैच करना, ओके? चलो अभी हम करते हैं 13th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आ गया जो ऊपर हमने किया था, ऐसा वाला हमने किया था 7th क्वेश्चन, जैसे 7th किया था ना वैसे ये 13 वाला भी सेम है. स्टार्ट करें, ओके? क्वेश्चन नंबर 13, इसमें सबके साइन लिखो जैसे हमने पहले लिखे थे. पी का मतलब है प्लस, ठीक है? क्यू का मतलब है मल्टीप्लाई, आर का मतलब है डिवाइड, एस का मतलब है माइनस. कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, ओके? तो अभी हमने ये साइन लिख लिए, अभी हमने इसकी वैल्यू ढूंढनी है. और जो इक्वल का साइन है बेटे, आपको इक्वल का साइन भी दिख रहा है ना, उसका मतलब है ग्रेटर, ग्रेटर देन. अभी इसमें कोई 7th क्वेश्चन से थोड़ा सा ये हायर लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है कि इसमें इक्वल के बारे में भी बताया हुआ है. ग्रेटर देन का ये वाला साइन होता है ना, पता है सबको? यस और नो? यस, सबको पता है. और सबको पता है कि जब जिस साइड पे ये इसका मुंह खुला होता है, जिस साइड पे ओपन होता है, उसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर या स्मॉलर? ग्रेटर. और जिस साइड पे पॉइंट होता है, क्लोज होता है, वो कौन सी साइड होती है, स्मॉलर और ग्रेटर? स्मॉल और ग्रेटर. वेरी गुड, स्मॉल. वेरी गुड, लेट अस स्टार्ट इट. तो इसमें अभी हमने चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो चलो हम पहले से ट्राई करते हैं. अभी हमने ढूंढना है कि ए बी सी डी में से हमारा कौन डालते हैं, और चेक करते हैं कि हमारा आंसर आता है कि नहीं आता. सो स्टार्ट करो. फर्स्ट का पार्ट ए में क्या है हमारे पास, 4P 8R. सबके पास वर्कशीट है, प्लीज इसको ध्यान से नोट करना बेटे, दूर दूर लिख के. वेरी गुड, 4P 8R, 2S 1Q एंड 6 इज इक्वल टू 1. हम ये ट्राई करते हैं कि अगर हम इसमें वैल्यूज डालें तो क्या वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं. चलो वेरी गुड, वैल्यूज डालो इसमें. 4P की जगह प्लस. अब आपका ये बेटा 7th जैसा क्वेश्चन, ये सबको आता है, प्लीज अपने आप करो, एक स्टेप अपने आप करो, फिर ब्लैकबोर्ड यहां से मेरे बोर्ड से मैच करना कि आप ठीक लिख रहे हो कि नहीं, ठीक है? ट्राई टू डू इट योरसेल्फ. आर की जगह इसका साइन डालना है और ऐसे करना, ठीक है? 4 प्लस 8, आर की जगह हमने डिवाइड डालना है, 2, एस की जगह -1, क्यू की जगह हमने मल्टीप्लाई का साइन डालना है, देन 6. तो अभी हम देखते हैं इसका क्या होता है कैलकुलेट करके, लेट अस सी. सबने लिख लिया ये नंबर? वेरी गुड, वेरी गुड. अभी इसमें हम सबसे पहले कौन सा साइन यूज करने वाले हैं, रेज योर हैंड. वेरी गुड, सबको पता है. यस राजदीप, 6A. कौन सा साइन यूज करने वाले हैं? वेरी गुड, डिवाइड. वेरी गुड, तो इसको अंडरलाइन करो फटाफट. इसको ही करते हैं हम, ए डिवाइडेड बाय 2. 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 4 8. तो 4 आंसर लिख दो यहाँ पे, -1 मल्टीप्लाई बाय 6. डिवीजन के बाद हम कौन सा साइन यूज करते हैं? मल्टीप्लाई. शाबाश, इसको करो, 4 प्लस 4 माइनस 6. 6 1 6, सबको पता है ये, है ना? यस, वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सारे टेबल्स आते हैं. चलो वेरी गुड, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करो इसमें. वेरी गुड, 8, पहले क्या करोगे, प्लस या माइनस? प्लस. वेरी गुड, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 6, सबको पता है 8 माइनस 6 टू. अब सारे इधर सामने देखो, सबने 2 निकाल लिया. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है इसके बाद. इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि 2 जो आंसर आया है वो 1 से बड़ा है या छोटा है? इट इज बिगर नंबर ना, 2 इज बिगर देन 1. यस, 2 इज बिगर देन 1. तो यही तो वो पूछ रहे थे हमारे से, यही पूछा था उन्होंने कि हमारे जो है स्टेटमेंट किसके लिए ट्रू होती है, कि जो भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि क्या वो ग्रेटर देन 1 आता है कि नहीं. तो ग्रेटर देन 1 तो आ गया हमारा, इसका मतलब हमारा जो ए पार्ट था, टिक मार्क किसको करोगे? ए को, ठीक है बेटा?
आप देख रहे हो बेटे, बाकी ऑप्शंस में बी में 15 आ रहा है जो कि 1, सी में 15 आ रहा है, सॉरी 5 आ रहा है, वो भी 1 से बड़ा है, 21 भी 1 से बड़ा है, लेकिन जब हमने ए को सॉल्व किया था वो तो पूरा का पूरा सामने ही हमें दिख रहा है कि वो 1 से बड़ा है, तो हमारा वो आंसर है, हमें और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी बेटे, ओके एक बार दोबारा करती हूँ मैं, आपको समझाती हूँ, इधर देखो सारे, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ पहले एक बार दोबारा, प्लीज सिट डाउन, एवरीबडी लुक स्ट्रेट, सबने क्वेश्चन सॉल्व करिए, अभी सामने देखो सारे। क्वेश्चन नंबर 13 का था, हमारे पास का साइन भी दिया हुआ था यहाँ पे, जो न्यू चीज थी आपके लिए, सारे के हमने साइन दिए हुए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, इनमें से ट्रू कौन सी है, हमने ये देखनी है, हमें ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये वाली, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, इक्वल नहीं, ग्रेटर, इक्वल नहीं हमने देखना, ग्रेटर वो ग्रेटर देन शो कर रहा है, हमें बताया गया कि इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर, समझ आई बेटा, पहले तो क्वेश्चन को समझो। तो हमें ऐसे ढूंढना है इसको, ऐसा इसको कैलकुलेट करना है कि जो भी हमारे पास इसको सॉल्व करके आए वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। क्वेश्चन समझ आया आपको पहले? यस। कौन पूछ रहा था, एक मिनट खड़े हो बेटे, कौन, किसको डाउट था, क्या हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन बेटा? यहाँ पे तो हमारे पास इक्वल लिखा है बेटे, इक्वल इक्वल नहीं देखना, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया था, इनके साथ ही बताया था सबके साथ कि इक्वल का मतलब होता है ग्रेटर, ठीक है बेटा, सिट डाउन, वेरी गुड, ठीक है। तो जब हमने बेटा इसको सॉल्व किया सारे के सारे को साइंस डालने के बाद, हमारा आंसर आया था 2, तो हमें पता मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है, तो इसलिए ये हमारी ऑप्शन है, इज इट क्लियर, ओके चलो वेरी गुड बेटा, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से हो गए अभी, और किसी को डाउट है, ठीक है वेरी गुड। अब 14th क्वेश्चन को सेम है, इसको भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने 13 किया था, 14 में भी हमारे पास सी, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे आप, ठीक है, अभी करना नहीं है, अंडरस्टैंड कर, रिप्लाई, ई का मतलब है डिवाइड और एफ का मतलब है माइनस, दिख रहे सबको, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर से वही क्वेश्चन है जैसे 13 किया था वैसे ही 14 है, सबकी हमने वैल्यूज डालनी है, उनको प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, और चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, दे रही हूँ आप घर पे इसको ट्राई करना, ओके आपकी ऑप्शन आ रही है बी, ठीक है उसको टिक मार्क कर लो, लेकिन ये आपको ट्राई करना है घर पे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 13 किया है, विल यू ट्राई एट होम, करोगे ट्राई? यस, बिल्कुल सेम है ये, ठीक है, एंड फिर इसका आंसर आप मैच कर सकते हो, बी आंसर आएगा, ओके बेटे, एनी अदर डाउट? ठीक है बेटा, एनी डाउट बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? आई एम सो हैप्पी इसने खड़े होकर क्वेश्चन पूछा था और डाउट सबका क्लियर हो गया, यू नो, और भी बच्चों को डाउट होता है आप खड़े होकर पूछते नहीं हो, तो ये कितना इसका, दोबारा बताओ किसी और को डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? चलो वेरी गुड बेटा, इट इज वेरी नाइस, आपसे आज क्लास करके बड़ा मजा आया, सबने बड़े अच्छे आंसर्स दिए, आपने हार्डवर्क करके क्वेश्चन सॉल्व भी किया, मैच भी किए सारे आंसर्स, चलो बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, बाय 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 बच्चे।